नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे पपीते की स्वादिष्ट जल से बनने वाला मिठाई। इसके लिए मैंने पपीतों को पहले से काट कर रख ली हूँ। इसको इस तरह के चम्मच में, कांटे वाले चम्मच से इस प्रकार से छेद कर लेना है। सारे पपीते के पीसेस को इसी तरह छेद कर लेना है। ये देखिए, हमने सारे पपीते को कांटे वाले चम्मच की मदद से छेद कर लिए हैं। अब इसको बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के लिए मैंने गैस में पानी रख दी हूँ। अब इसको गैस ऑन करके सारे पपीते के पीसेस को पानी में डाल देती हूँ। 5 मिनट तक बॉईल होने के बाद पपीते, ये देखिए पपीता उबल गया है। 5-6 मिनट हो गए। अब गैस बंद कर देती हूँ। सारे पपीते को निकाल लेते हैं। पाँच मिनट ठंडा होने के बाद इसके पानी को अच्छे से निचोड़ लेते हैं। ये देखिए, सारे पपीते को अच्छे से निचोड़ कर रख लेते हैं। चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कटोरी शक्कर, 1 कटोरी पानी और 1 नींबू का रस निकाल के रख ली हूँ। गैस ऑन कर दे हूँ। 2 कटोरी शक्कर डाल देती हूँ। 2 कटोरी शक्कर में 1 कटोरी पानी बस ऑन कर देती हूँ। शक्कर अच्छे से पिघलने के बाद सारे पीसेस को डाल देंगे। चीनी अच्छे से घुल गई है और बॉईल भी आ गया है। अब इसमें हम सारे पीसेस को डाल देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे। धीमे आंच में इसे 15-20 मिनट तक पकाएंगे। जब तक इसमें चाशनी अच्छे से घुल जाए इसमें। सूखने तक इसको पका लेंगे मीडियम फ्लेम में। इसमें नींबू का रस एड कर डाल देती हूँ। ये देखिए, चाशनी में पकते हुए 20 मिनट हो गई है और चाशनी पूरी तरह सूख गई है। अब इसको बाउल में निकाल लेते हैं। चाशनी अच्छे तरह से गाढ़ी हो सूख चुकी है। अब इसको बाउल में निकाल लेते हैं। अभी बिल्कुल तैयार है मिठाई। आधा 1 घंटा सूखने के बाद इसको
फ्रिज में रख कर आप स्टोर कर सकते हो। आप लोग भी बनाइए और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो